अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज के अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। वैसे एक बार फिर बेलगाम रियासत की सियासत का मरकज बनते जा रहा है। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होने के बावजूद किसी का भी एयरपोर्ट पर न पहुंचना या फिर अक्सर लोग बेंगलोर जाना और भी दीगर मामलात में ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। खैर, आज एमएलए नॉर्थ आसिफ सेठ की सालगिरह मनाई गई। इसमें भी जो मुकामी वजरात हैं जैसा सतीश जारकिहोली या फिर लक्ष्मी हब्बाकर मौजूद नहीं रहे, इस पर भी चर्चा देखने को मिल रही। खैर, आज का मौजू इसराइल फलस्तीन जंग के मद्देनजर मजहबी पहलू पर है। आखिर खुरासान से काले झंडे वाला लश्कर कब निकलेगा? मौजू से पहले आज के अहम खबरों पर भी एक नजर डालते। आज बेलगाम में कन्नड़ जुबान में न लिखे हुए इश्तेहारात को कारपोरेशन की जानिब से हटाए गए। वैसे भी जल्द कर्नाटक राज्योत्सव है, लिहाजा बोर्ड पर 60% कन्नड़ लिखा होना जरूरी है, ऐसा हुक्म कारपोरेशन की जानिब से दिया गया। आज तकरीबन इश्तेहारात को हटाया गया। हिंदू मुस्लिम तनाजा खड़ा करने की कोशिश करने वाले शरारती लड़के को पुलिस हिरासत में लिया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक शहर की मस्जिद पर भगवा परचम लगाने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, जिस पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर इसे हिरासत में लिया। आज बेलगाम बेंगलोर लग्जरी बस हादसा हुबली के करीब पेश आया, जिसमें 12 मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे। चन्नम्मा सर्कल अंबेडकर गार्डन के करीब पानी की पाइपलाइन रिपेयर के मद्देनजर असद खान सोसाइटी, वीरभद्र नगर, अशोक नगर, शिवाजी नगर, सुभाष नगर, अहमदनगर, पंजी बाबा को आने वाले 3 दिन पानी सप्लाई नहीं होगी, ऐसा बताया गया। अब आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि आखिर जमाने की कई सारी बातें अब सही हो रही है, क्योंकि जो तस्वीर दुनिया भर में मुसलमानों की नजर आ रही है या मुसलमानों को लेकर दिगर मजाहिब के लोग अपना रद्द अमल पेश कर रहे हैं, यही देखते हैं तो बिल्कुल उसी बात की तरफ इशारा करती है जैसे हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। मस्जिद अक्सा पर यहूदी हमला करेंगे, यहूदियों के साथ मुसलमान और ईसाई मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा पर तो बमबारी करने की पूरी फिराक में यहूदी तो है, लेकिन इसी जगह पर एक चर्च भी है जिस पर भी बम बरसाए जाएंगे, और जब इसराइल चर्च पर बम बरसाएगा तो ईसाई और मुसलमान मिलकर यहूदियों के साथ लड़ेंगे। खैर, कुछ लोगों ने तो इस बात को जानबूझकर छिपाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि फलस्तीन मस्जिद अक्सा के करीब वो चर्च वाकई है जिसका तस्करा किया जा रहा है। खैर, जिस हदीस पर आज का मौजू हम बोलने की जरूरत कर रहे हैं वो है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, जिसमें कहा गया है कि खुरासान से काले झंडे लेकर एक जमात निकलेगी जो मस्जिद अक्सा पर अपना परचम लहराएगी। इस जमात को रोकने की ताकत दुनिया के किसी भी फोर्स में नहीं होगी। हासिल इत्तला के मुताबिक खुरासान ईरान का एक इलाका है, लिहाजा कुछ लोग अफगानिस्तान भी कह रहे, लेकिन तालिबान ने अपने आप को इस जंग से दूर रखा है, लिहाजा ईरान से ही ये जमात निकल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और दिगर दुनिया की ताकत और मुल्कों से पंजाराई की हिम्मत फिलहाल तो ईरान ही कर रहा है। यहाँ तक कि अब हिजबुल्ला और फिर हमास को भी ईरान की हिमायत मिलने की बात बताई जा रही है। एक और खबर के मुताबिक साउथ कोरिया का हथियार भी फलस्तीन में मिलने की बात बताई जा रही है। उधर रूस भी ईरान की हिमायत में खड़ा नजर आ रहा है। आज भारत ने भी अस्पताल में हमले के बाद फलस्तीन को मदद करने का ऐलान कर चुका है, लिहाजा खुरासान से जो काले झंडे का लश्कर निकलने की पेशेंगोई बताई जा रही है वो ईरान का लश्कर होगा या अफगानिस्तान का नाराज गिरोह होगा, क्योंकि मौजूदा अफगानिस्तान के तालिबान में कुछ नाराज गिरोह भी है जो तालिबान के रद्दअमल से खुश नहीं है। कुछ लोग फलस्तीन की मदद को लेकर हुकूमत से नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब ईरान के खुरासान से या अफगानिस्तान के खुरासान से इस बात पर बहस जारी है। जिस तेजी से बमबारी इसराइल की जानिब से जारी है इसका भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा पर भी हमला हो सकता है। चर्च पर हमले की खबर जब बाहर आएगी जंग और तेज हो जाएगी, लिहाजा दज्जाल की आमद नजदीक बताई जा रही है। दज्जाल का फितना बहुत ही खतरनाक होगा जिसकी अल्लाह से पना मुसलमानों को मांगनी होगी। अभी दज्जाल का फितना रुनवा नहीं हुआ है तो हमारी क्या हालत है, खासकर भारत के मुसलमानों की कैफियत का तस्करा भी करना ठीक नहीं लगता। हम तो एहतजाज के भी काबिल नहीं रहे। दुनिया के मुसलमानों के मद्देनजर भारत के मुसलमानों के मसाइल ही अलग हैं। इनकी सुबह से शाम तक जिंदगी गुजारने का तरीका ही अलग है। इस्लामी आदाब और हमारा तरीका मेल खाता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। जिंदगी फलस्तीन के नौजवान बच्चे औरतें ईमानी दौलत से किस कदर सरोशार हैं, पर भारत के और खासकर बेलगाम के मुसलमानों की सुबह 11 बजे होती है। अक्सर बता रहा हूँ कि अक्सर मुस्लिम नौजवान 11 बजे उठते नजर आ रहे हैं। देर रात तक घरों से नौजवान नस्ल बाहर कट्टों पर मिलेगी। मुस्लिम लड़कियों की भी कैफियत हम सभी देख रहे हैं। अभी इस हफ्ते कैंप के महिला पुलिस थाना जाना हुआ तो महज 1 घंटे में
दस मियां बीवी के मामले उस थाने में लाए गए। अफसोस दर अफसोस सिर्फ मुस्लिम खवातीन पुलिस थानों के सामने खड़ी नजर आ रही थी। अदालत में फैमिली कोर्ट में आपको मुसलमान ही नजर आते हैं। मुस्लिम मर्दों का जिंदगी जीने का तरीका अलग, बच्चों का अलग, खवातीनों का अलग, कॉलेज जाने वाली लड़कियों का अलग। आप इन तमाम में कहीं पर भी दीन इस्लाम अल्लाह रसूल के दायरे नजर नहीं आते। अब जब दज्जाल का फितना आया भी नहीं, बेलगाम के मुसलमानों की कैफियत ऐसी है। अब क्या खाक मेहंदी अलैहि सलाम के लश्कर का हिस्सा बन सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि भारत के और खासकर बेलगाम के मुसलमानों का नस्बुल ऐन ही कुछ अलग है। कारोबार, रोजमर्रा की जिंदगी, उठना बैठना, तिजारत, शादी ब्याह, कहीं पर भी आपको इस्लामी नहज नजर नहीं आती। लेकिन सुबह से शाम तक फलस्तीन पर तस्करा करते रहेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा, फिजाए बद्र तो पैदा कर, तेरी नुसरत को उतर सकते हैं फरिश्ते कतार दर कतार। आज पहले बद्र की सोच को तो हमारे अंदर लाना होगा। ताजुब तो इस बात पर है कि इतना सच्चा दीन मिलने के बावजूद जर्रा बराबर भी तड़फ कुड़न दीन के खातिर कहीं पर भी नजर नहीं आती। जमातों का अपना रवैया अलग है, कुछ मौलियों का अपना रवैया अलग है। अब तो बोलने भी अच्छा नहीं लग रहा कि फलस्तीन के हालात अगर भारत में रोनुमा होंगे तो क्या होगा। वहां तो ईमानी जज्बे से सरोशार मुसलमान मुकाबला कर रहे हैं, बच्चे टैंकों के सामने पत्थर लिए खड़े हैं। यहाँ तो मुखलिस मुसलमान कहीं पर नजर आते लेकिन मुखबिर भरे पड़े हैं। क्या हालत होगी, आपको तो दज्जाल की भी जरूरत नहीं लगती, क्योंकि दज्जाल के फितने में मुसलमानों की अक्सरियत गिरफ्तार होने की बात बताई गई है। यहाँ तो पहले से ही फितनों में मुलविस है। लिहाजा दुआ करनी चाहिए कि ईमानी जज्बा मोमिन भाई का दर्द अपने सीने में महसूस करे और निशानियों पर नजरसानी की तौफीक अता करे। क्योंकि ये निशानियां भी तो साहिब ईमान ही देख पाएंगे जिनके दिलों में मुनाफिकत नहीं होगी। दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, ये भी वही ईमान वाले देख पाएंगे जिनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से मनोबर होंगे। वैसे तो आने वाले हालात का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को है, क्योंकि वही गैब का मालिक है। हम तो कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन जितने भी पेशेंगोयां बताई गई तकरीबन सभी सही और उसी दिशा में चल पड़ी है जैसे खुरासान के लश्कर का जिक्र किया गया। दरअसल मेहंदी अलैहि सलाम का जहूर दज्जाल के बाद होगा। मेहंदी अलैहि सलाम का नाम भी हमारे आका के नाम ही की तरह मोहम्मद होगा। इनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला और वालिदा का नाम भी आमना होगा, और वो भी 40 बरस के होंगे और खाने काबा के तवाफ में मसरूफ होंगे। उस वक्त उलमाए इकराम की जमात जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास फजल होगा वो उन्हें पहचानेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। लिहाजा यूं मेहंदी अलैहि सलाम का जहूर होगा। इसके कुछ दिन कब्र ही खुरासान से काले झंडे निकलेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इसका मतलब दज्जाल के दुनिया में आने के बाद मेहंदी अलैहि सलाम आएंगे। जब दज्जाल पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाए होगा, हर तरफ खून खराबा, जुल्म, बर्बरियत ढाता होगा सिवाय मक्का और मदीना के। वो अपनी फौज लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपना पड़ाव करेगा। उस वक्त मेहंदी अलैहि सलाम इन खुरासानी लश्कर को जिनके झंडों का रंग काला होगा इसकी कयादत करेंगे और जंग सुबह के फज्र के वक्त शुरू होगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर फरिश्तों के कंधों पर टेक लगाए नाजिल होंगे। ये तमाम तफसीलात तो है लेकिन कब इस पर बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात उस तरफ ही चल पड़े हैं। आज का मौजू खुरासान के उस लश्कर के बारे में बताने की कोशिश जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इशारा हमें बताया था। पर क्या इन तमाम हकीकत को हमारी आंखों के सामने होते हुए अपने आप को तब्दील करने के बारे में भी कभी सोचा है? कुरान सच्चा, हदीस सच्ची, हमारे नबी सच्चे, लेकिन जिस पस्ती और तनज्जुली का शिकार इस दौर की उम्मत हुई है इसके जिम्मेदार कौन? आखिर क्या बात है कि दुनिया का आखिरी पड़ाव देखने के बावजूद हमारा जमीर बेहिस क्यों हो रहा है? ये भी सोचना जरूरी है, क्योंकि दज्जाल भी आएगा, मेहंदी अलैहि सलाम का लश्कर भी आएगा, इस्लाम दुनिया भर में गालिब भी आ जाएगा, कयामत आएगी। लेकिन क्या हम बारगाह खुदावंदी में अपने आप को पेश करने के काबिल होंगे? जरूरत है अपने आप को तब्दील करने की। सिर्फ इसराइल फलस्तीन जंग का सुबह शाम तस्करा करने से हमारी मगफिरत नहीं होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। आपको क्या करना है और आपको किस लश्कर का हिस्सा बनना है, इसका फैसला आपको करना जरूरी है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।